उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर मामले में गिरफ्तार तांत्रिक भाले जोशी से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस पूछताछ में बुधवार को नया खुलासा हुआ। मृतक राहुल तांत्रिक भालेश की बड़ी बेटी पर नजर डाल रहा था। उससे मिलने के लिए वो उसके गांव भी पहुंच गया था और इसकी जानकारी तांत्रिक को लगी तो उसने राहुल मीणा को उसकी बेटी से दूर रहने की हिदायत दी थी। इसके बाद भी राहुल मीणा नहीं माना, वो तांत्रिक के गांव आता जाता रहता था। भालेश को इस बात का डर था कि बेटी को कहीं वो भगा कर न ले जाए। अब यहाँ सवाल ये उठ रहे हैं कि तांत्रिक की बेटी राहुल से कब और कहाँ मिली थी, उसकी पहचान कैसे हुई, क्या राहुल के तांत्रिक से पारिवारिक संबंध थे। अगर इन बातों का संतोषजनक जवाब नहीं है या पुख्ता सबूत नहीं है तो ये केवल एक कहानी हो सकती है जो अब तांत्रिक बैठा बैठा गढ़ रहा है। थानाधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि राहुल मीणा की इस हरकत से गुस्साए तांत्रिक भालेश जोशी ने उसे ठिकाने लगाने की ठान ली थी और इसी बीच राहुल की पत्नी भी अपने पति के साथ अनबन को लेकर उसके पास पहुंची तो तांत्रिक ने राहुल और सोनू के अफेयर के बारे में उन्हें बता दिया। इस पर राहुल का परिवार युवती से उसे दूर करने के लिए बार बार मंदिर जाया करते थे। तांत्रिक ने सोचा था कि परिवार के दबाव में राहुल सोनू को छोड़ देगा और उसकी बेटी से भी दूर रहेगा। फिलहाल तांत्रिक द्वारा बताई गई इस दूसरी कहानी से जुड़े तथ्य अब जुटाए जा रहे हैं। बता दें कि 18 नवंबर को मजावत के समीप युवक युवती के न्यूड शव मिले थे। मृतक युवक पलोदड़ा निवासी राहुल मीणा का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ यानी क्षत विक्षत था। युवती मदार के भागल निवासी सोनू कंवर के प्राइवेट पार्ट पर भी गांव थे। दोनों शवों पर पत्थरों और चाकू के वार से हुए कई गांव थे। दोनों की हत्या के बाद उनकी पहचान न हो सके इसलिए उन पर केमिकल भी छिड़क दिया गया था। पुलिस ने हत्या के 72 घंटे में आरोपी भालेश जोशी को गिरफ्तार किया था जिसने दोनों की हत्या करना कबूल किया है। पीसी रिमांड पर गोगुंदा पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।